हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको सम सॉल्व करके बताया जाएगा। देखिए, सम लिखा हुआ है 5/2 प्लस 4/3 प्लस 13/4। ये फ्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसको हमें पहले क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तीनों एक से नंबर लाने हैं हमें, ठीक है, एक ही नंबर लेके आना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम डिनोमिनेटर्स के नंबर्स को का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए, क्या नंबर है हमारा डिनोमिनेटर का, टू थ्री फोर, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखिए, अगर इसमें तीनों नंबर किसी एक टेबल से जा रहे हैं तो सॉल्व कर लेंगे, अगर दो नंबर्स भी किसी एक टेबल से जा रहे हैं तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अलग अगर तीनों नंबर अलग अलग जाएंगे तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए, 2 और 4 ये एक टेबल से चले जाएंगे, कौन से वाले, 2 के टेबल से, 3 से, ये 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो 3 का हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। 2 1 2, 3 का 3 हमने ऐसे लिख दिया, 2 2 4। अब ये देखिए, तीनों नंबर क्या है, अलग अलग हो गए, तो किसी एक नंबर से सॉल्व नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सब की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। ये 2 हो गया इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। इनकी ये जो बाहर नंबर है, इनकी सबकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। देखिए, 2 1 2, 2 3 6, और 6 2 कितने होते हैं, 12, कितने होते हैं, 12, ठीक है। ये हमने डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम 2 2 2 नंबर हैं, जो 2 नंबर्स हैं वो किसी एक टेबल से जा रहे हैं, तो कौन सा टेबल है, वो 2, 2 1 2, 3 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, 2 2 4। अब ये तीनों अलग अलग नंबर हैं, इनका एलसीएम नहीं होगा, तो हम इन सब की क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 2 1 2 और 2 3 6 और 6 2 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा एलसीएम निकल के आया है, कितना कितना आया निकल के, कितना आया था, 12, ठीक है। अब 12 हमारा नंबर निकल के आ गया एलसीएम, इन तीनों का हमारा डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड वाला और फिर थर्ड वाला। तो हमने इस डिनोमिनेटर की, ये जो हमारा एलसीएम निकला है, इससे डिवाइड करनी है, ठीक है। 2 की 12 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 2 की डिवाइड करेंगे 12 से, कितने बार जाएगा, 6 टाइम, 2 6 12। तो ये जो हमारा आया है क्वेश्चन, ये जो हमारा आंसर आया है, 6 जो आया है, इस 6 की इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 6 कितने होते हैं, 30। हो गए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सॉल्व हो गया, इस डिनोमिनेटर की इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो 2 में 12 जो है वो 6 टाइम जाएगा, और जो 6 है उस 6 की उसके न्यूमिरेटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 6 30, ठीक है। एक सॉल्व हो गया, अब हम सेकंड सॉल्व करेंगे। अब इसकी डिनोमिनेटर की 12 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। अब इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 16, कितने होते हैं, 16 प्लस। अब 4 की 12 से डिवाइड करेंगे,
देखिए हमारा सेकंड भी सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर की इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 4 में 12 कितनी बार जाएगा, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। अब इस 3 की इस 13 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26, 13 थ्री ज़ा 39, कितने होते हैं, 39, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब डिनोमिनेटर तो अपनी जगह पर ही रहेगा, इन तीनों की प्लस कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों की प्लस करेंगे, 30 16 39, 9 और 6 15, कैरी 1 3 1 4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा, 85, कितना हो जाएगा, 85, ठीक है। अब आपको पता है कि इसकी मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगी। अगर आपने मेरी मिक्स फ्रैक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके मिक्स फ्रैक्शन की वीडियो देख लीजिए। अगर हमारा न्यूमिरेटर बड़ा होता है, बड़ा नंबर होता है डिनोमिनेटर से, तो मिक्स फ्रैक्शन हो जाती है। 12 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 85 से कम आ जाए, ठीक है। 12 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 85 से कम आ जाए। तो 12 सेवनज़ा कितने होते हैं, 84, 12 सेवनज़ा 84। कैसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन, 12 सेवनज़ा 84 और प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 85। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है।